हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। करंटली काफी सारे डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स हम लोगों ने विटनेस किया है, जिससे एक बात तो साफ होता है, दैट इज वी आर ह्यूमन बीइंग विद नो ह्यूमैनिटी। सारे इंसिडेंट्स की अगेंस्ट काफी सारे प्रोटेस्ट भी हो रहा है। इन्हीं सब में सबसे ज्यादा एक नोशन सुना जा रहा है, स्पेशली इन यूएसए, दैट इज ब्लैक हैज राइट्स। सो इन टुडेज वीडियो we are going to discuss this notion with reference to George Floyd's case. We will also analyze rights of blacks in USA. So, let's start. Blacks lives matter. ये notion इतना loud क्यों हुआ? कुछ ही दिन पहले अचानक एक video internet पे सामने आया, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर अपने घुटनों से एक इंसान की नेक पे कंटिन्यूअस प्रेशर दे रहे थे। वीडियो में दिखाई दिया दैट उस पुलिस ऑफिसर की फोर्स की वजह से उस इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। वो बोल भी रहे थे दैट आई कांट ब्रीद, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बट पुलिस ऑफिसर ने उनकी बात नहीं सुना। 8 मिनट तक ये चला और उस इंसान की वही पे मौत हो गई। जिनकी मौत हुआ, हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड। वो अनआर्म्ड थे, मतलब उनके पास कोई हथियार नहीं था। रूल्स के मुताबिक अगर उन्होंने कुछ गलती भी किया था तो उनको अरेस्ट करना चाहिए था। जो हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है दैट जॉर्ज फ्लॉयड के साथ इतना ब्रूटल बिहेवियर हुआ क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन थे। ब्लैक मतलब डार्क स्किन कलर। और जो पुलिस ऑफिसर थे, ही वॉज अ व्हाइट अमेरिकन। यस, इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट ईयर 2020 में भी हम ब्लैक और व्हाइट स्किन कलर के बेसिस पे इंसान को कैटेगराइज करते हैं। नाउ इस इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और यूएसए में COVID-19 पेंडेमिक के बावजूद भी प्रोटेस्टर्स सड़कों पे उतर चुके हैं। प्रोटेस्ट कंट्रोल से बाहर जा चुका है, लोगों का गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला गया है। सिचुएशन इतना ज्यादा डिटोरिएट कर चुका है दैट प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी को फील्ड पे उतारा है टू कंट्रोल दीज प्रोटेस्ट्स। यू कैन सी वन इमेज ऑफ अ ट्वीट। सो मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस न्यूज को कंफर्म किया है दैट यस, नेशनल सिक्योरिटी को फील्ड पे उतारना पड़ा क्योंकि प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करना नामुमकिन हो चुका है। तो अमेरिका में ये भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर इज नॉट न्यू। इफ यू सी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, तो ये ब्लैक और व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को बहुत पहले से मिलेगा। ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन के राइट में भी काफी सारे अंतर देखा गया है। सो नाउ लेट्स टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री और देखते हैं ये डिविजन कब से और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। 19th century में ब्लैक अमेरिकन सारे पब्लिक फैसिलिटीज व्हाइट अमेरिकन की तरह नहीं यूज कर पाते थे। व्हाइट अमेरिकन के साथ वो लोग सेम शहर, सेम टाउन में नहीं रह सकते थे, सेम स्कूल से एजुकेशन भी नहीं ले सकते थे। व्हाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन में शादी भी इलीगल था। यहाँ तक कि ब्लैक अमेरिकन के पास वोट देने के लिए भी प्रॉपर राइट नहीं था। इसके बाद इन 1868 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट लाया गया, जहां ब्लैक अमेरिकन को भी इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया। एंड देन फाइनली 1870s में 15th अमेंडमेंट हुआ, जहां ब्लैक अमेरिकन की राइट टू वोट को ग्रांट किया गया। इस अमेंडमेंट्स के बाद भी प्रैक्टिकली ब्लैक अमेरिकन की जिंदगी में सुधार नहीं आया था। 1877 के अराउंड जिम क्रो लॉस को यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां रेशियल सेग्रीगेशन मतलब ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन के बीच की भेदभाव को लीगलाइज किया गया। तो ब्लैक अमेरिकन को राइट तो मिला था बट इक्वालिटी नहीं मिला। इसके बाद 1896 में एक केस आया, प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन, जहां रेशियल सेग्रीगेशन को क्वेश्चन किया गया था। तो इस केस में व्हाइट और ब्लैक अमेरिकन को इक्वल बोला गया, उनके लिए सारी फैसिलिटीज इक्वली अवेलेबल था। पर उसके साथ साथ रेशियल सेग्रीगेशन भी लीगल था, मतलब ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन्स को सब फैसिलिटीज मिलेगा बट अलग अलग। इस केस में जिम क्रो लॉस को कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन किया गया और एक डॉक्ट्रिन को भी एस्टैब्लिश किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट बट इक्वल। इसके बाद आफ्टर 6 decades 1952 में इस इशू को ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में फिर से उठाया गया। तो इस केस में
डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट बट इक्वल को फाइनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इसके साथ साथ स्टेट और लोकल लेवल में रेशियल सेग्रीगेशन के लिए जितने भी लॉस थे सब के ऊपर सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 को प्रिवेल किया गया। बट ये सारे चेंजेस क्या सच में इफेक्टिव थे? क्या सच में रेशियल सेग्रीगेशन कम्प्लीटली मिट चुका है? जॉर्ज फ्लॉयड केसी शायद इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट यूएसए, वर्ल्ड वाइड अभी भी हम सब स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज करते हैं। अभी भी डिबेट चल रहा है हाउ टू कॉम्बैट रेशियल सेग्रीगेशन इन यूएसए एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आई थिंक द बेस्ट वे टू कॉम्बैट दिस डिफरेंस इज चेंजिंग आवर थॉट प्रोसेस। जब तक हम हमारी सोच को नहीं बदलेंगे, कोई गवर्नमेंट, कोई प्रोटेस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। और हमें ऐसे बहुत जॉर्ज फ्लॉयड को खोना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपके पास कोई सजेशन है या आप कोई भी लीगल टॉपिक या करंट टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यू कैन ऑल्सो चेक आवर सोशल मीडिया हैंडल्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो वॉच आवर अदर वीडियोस फॉर मोर नॉलेज। दिस इज अ न्यू चैनल एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।